हम हवा में से ऑक्सीजन सेपरेट कर सकते हैं इस टर्बाइन के माध्यम से ही। दूसरा मैंने कहा मेरा रॉ विजडम है, क्लाउड बेनिफिट भी कर सकता है। और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग करके चाय बनाता है। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। आइए आज बात करते हैं हमारे प्यारे प्रधानमंत्री मोदी जी की, जो सब कुछ जानते हैं। आजकल तो वे साइंटिस्ट तक बन गए हैं। हमें मोदी जी की थ्योरीज के बारे में बात करनी चाहिए। वे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कोई क्या ऐसी थ्योरी भी ला सकते हैं जिससे हमारी जीडीपी -24 से सीधा प्लस में चली जाएगी? हो भी सकता है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। आज हम साइंटिस्ट मोदी जी की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुछ दिन पहले मोदी जी ने एक और थ्योरी बताई है। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर की जिसमें प्रधानमंत्री मोदी एनर्जी कंपनी के एक सीईओ से बात कर रहे हैं। वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी विंड टर्बाइन यानी कि पवन चक्की की टेक्नोलॉजी पर चर्चा कर रहे हैं। वह हवा में नमी से पानी निकालने की बात करते हैं, साथ ही ये भी कहते हैं कि हवा में से ऑक्सीजन को निकाल लिया जाए। पहले आप ये वीडियो देखिए कि विंड एनर्जी की जो आपके टर्बाइन्स हैं, जहां मॉइस्चर ज्यादा है, वो हवा में से वाटर शक करके अगर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोड्यूस कर सके तो इधर विंड टर्बाइन एनर्जी का भी काम करेगा और पीछे की तरफ से वो हवा में से मॉइस्चराइज एयर शक करके उसमें से पानी निकाल करके वो पानी भी, तो टर्बाइन एक प्रकार से गांव के ड्रिंकिंग वाटर की समस्या का समाधान कर सकता है। दूसरा मेरा सुझाव है कि हम हवा में से ऑक्सीजन सेपरेट कर सकते हैं इस टर्बाइन के माध्यम से ही। डियर प्राइम मिनिस्टर मोदी, आई कांट से आई एम स्माइलिंग विद योर बोथ योर पैशन एंड योर एक्साइटमेंट। आई कैन गारंटी यू इफ यू शुड एवर हैव द विश और इफ यू एवर हैव द ड्रीम, यू शुड कम एंड विजिट मी इन डेनमार्क। यू विल बी अ वेरी लॉयल, आई कैन हियर यू विल बी द आइडिया जनरेटर फॉर आवर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। राहुल गांधी के ट्वीट के बाद देश के लोग दो हिस्सों में बट गए। एक मोदी जी के फेवर में खड़े हो गए और बाकी लोग मोदी जी की आलोचना करने लग गए, जो कि अक्सर होता ही है क्योंकि मोदी जी हमारे है ही कमाल। खैर, राहुल गांधी के ट्वीट के बाद संबित पात्रा ने ट्वीट कर दिया। उन्होंने दो आर्टिकल्स की फोटो भी शेयर की और लिखा, राहुल जी टुमारो मॉर्निंग प्लीज गेट अप एट नाइट एंड रीड द टू साइंटिफिक पेपर्स दैट आई हैव अटैच्ड हियर विद। दो आई एम श्योर यू वांट टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सब्जेक्ट लुकिंग एट द कंडीशन ऑफ योर नॉन फंक्शनिंग मेंटल टर्बाइन्स। ये थ्योरीज कितनी सही है या कितनी गलत है हम तो नहीं बता सकते, पर हमारे देश की जनता काफी निराली है। मोदी जी की इस थ्योरी पर लोगों ने ट्वीट कर और मीम बनाकर काफी मजे लिए। एक ट्वीट में लिखा, क्या हम टर्बाइन की ब्लेड को ऐसे एंगल पे नहीं लगा सकते कि वह हवा में से ऑक्सीजन काट के अलग कर दे? नीचे हम दरी बिछा देंगे जिसपे गोंद लगी होगी ताकि ऑक्सीजन उस पे गिरती ही चिपक जाए। दूसरे ने लिखा कि हम हर अस्पताल की छत पर विंड टर्बाइन रख दें तो कोविड-19 के मरीजों को डायरेक्ट ऑक्सीजन की सप्लाई कर सकते हैं। एक ट्वीट में लिखा कि एडिसन, मैं लाइट बल्ब बना सकता हूँ। फ्लेमिंग, मैं पेंसिलिन बना सकता हूँ। राइट, मैं हवाई जहाज बना सकता हूँ। और मोदी, मैं विंड टर्बाइन की मदद से नम हवा से ऑक्सीजन खींच सकता हूँ। ऑल शॉक्ड, मोदी रॉक्स। एक ने तो इकोनॉमी का मॉडल ही खींच दिया, H2O को लो, उसमें से H हटा दो, आपको हाइड्रोजन मिल गई। अब उसमें से O भी हटा लो, अब तुम्हारे पास ऑक्सीजन भी आ गई। अब ये 2 एक्स्ट्रा बच रहा है, अब हम इसे इकोनॉमी को गुणा करके उसे 5 ट्रिलियन बना लेंगे। ये दुनिया का सबसे पहला वाटर बेस्ड इकोनॉमी मॉडल होगा। #मोदी है तो मुमकिन है। एक ने मोदी जी की पुरानी फोटो शेयर कर लिखा, मोदी जी ट्राइंग टू सक ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि मोदी जी ने कुछ थ्योरी बताई हो, ऐसा कई बार पहले भी हो चुका है। आइए चलते हैं फ्लैशबैक में। पहले मोदी जी की मैथ्स का जिक्र करते हैं। मोदी जी ने एक बयान दिया था, भारत के 600 करोड़ मतदाताओं ने 2014 में किसी एक राजनीतिक पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत दिया है। 600 करोड़ मतदाताओं ने वोट देकर, पर भारत की कुल आबादी तो 135 करोड़ के आसपास है। पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहां पता है। तो ये बाकी के कौन थे जिन्होंने वोट दिया, ये तो मोदी जी ही बता सकते हैं। इसके अलावा मोदी जी का ये बयान भी सुनिए,
इस मानसिकता के बीच इस देश में 25 करोड़ परिवार हैं, 25 करोड़ परिवार में से 125 करोड़ परिवार 25 करोड़ परिवार में से 125 करोड़ परिवार गैस सब्सिडी एक कहने मात्र पर छोड़ दें, मतलब देश की ताकत, देश का मिजाज कैसा है इसका हम अनुभव कर सकते हैं। वाह, मोदी जी का मैथ्स। 25 करोड़ परिवारों में से 125 करोड़ परिवार यानी कि 125 करोड़ परिवारों ने सब्सिडी छोड़ी। हमारे मोदी जी है ही बहुत भोले। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। अब उनकी कुछ थ्योरीज पर भी नजर डालते हैं। क्लाइमेट चेंज को लेकर मोदी जी ने एक थ्योरी दी और कहा था कि क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ, हम चेंज हो गए हैं। सुनिए मोदी जी ने क्या कहा था। देखिए, आज छोटे छोटे बालक भी क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंट चेंज की चर्चा कर रहे हैं कि हमारे गांव में जो बड़ी आयु के लोग होते हैं ना, 70, 80, 85, 90 साल के लोग, तो सर्दियों में आप देखेंगे तो अक्सर कहते हैं कि पिछली बार से इस बार सर्दी ज्यादा है, ऐसा कहते हैं ना। एक्चुअली सर्दी ज्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई है, इसलिए उनको सर्दी ज्यादा महसूस होती है। तो परिवार के जो बुजुर्ग लोग हैं वो कहते हैं भाई जो पिछली बार इतनी सर्दी नहीं थी, इस बार सर्दी ज्यादा हो गई। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं। आपको याद होंगी एयर स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद मोदी जी का इंटरव्यू और क्लाउड थ्योरी। मोदी जी ने न्यूज नेशन पर दिए इंटरव्यू में एयर स्ट्राइक के बारे में बताते हुए कहा था कि मेरा रॉ विजडम है, क्लाउड है इसलिए हमारे विमान रडार से बच सकते हैं। तो हमारे सामने समस्या थी, उस समय वेदर अचानक खराब हो गया था, बहुत बारिश हुई थी, आपको याद हो। मैं हैरान हूं अभी तक देश के इतने बड़े पंडित लोग इतनी मुझे गालियां देते हैं लेकिन उनका दिमाग यहां नहीं चलता है। तो एक पल हमारे मन में आया, इस वेदर में हम क्या करेंगे, क्लाउड है, जा पाएंगे नहीं जाएंगे। दूसरा मैंने कहा मैं आई एम नॉट पर्सन की जो इन सारे विज्ञान को जानता हूं, लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। मैंने कहा मेरा रॉ विजडम है, देखिए क्लाउड बेनिफिट भी कर सकता है। तब भी लोगों ने मीम्स के जरिए मजाक उड़ाया था। इसके अलावा चाय को लेकर भी मोदी जी की एक थ्योरी काफी फेमस हुई थी एंड उसका तो प्रैक्टिकल भी किया गया था किसी के द्वारा। पहले मोदी जी ने क्या कहा था नाले की गैस के बारे में, पहले आप वो सुनिए। किसी छोटे से नगर में नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था, चाय बना करके बेचता था और वहीं पर उनके एक नाली, गंदी नाली जाती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती है वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी, उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। इसका प्रैक्टिकल भी किया जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुई थी, आप खुद ही देखिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक फार्मूला पेश किया है कि नाले की गैस से भी अगर चाय बना सकते तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के बात को मानते हुए हम नाले के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं कि गैस कैसे बनती है, निकलती है और चाय कैसे बनती है। सरकारी उनके फार्मूले के अनुसार सरकारी वो नली लगा कर अंदर डाल रहे हैं। गैस आ गई है, गैस का इंतजार कर रहे हैं, माचिस तैयार है, लगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई गैस बाहर नहीं आ रही है, जल रही है। क्या हमारा देश का प्रधानमंत्री आज के युवाओं को ऐसी ही जानकारियां देंगे? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। हमने मोदी जी की मैथ्स भी देखी और साइंस में रुचि भी, अब आगे और क्या देखने को मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक आप भी सोचिए मोदी जी की थ्योरी पर और रिसर्च कीजिए, क्या पता अगला नोबेल प्राइज आपको ही मिल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।